हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। और हम क्या कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो PYQ सॉल्व कर रहे थे हम। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो पार्ट टू है, राइट। सो 15 नीट 2015 का क्वेश्चन देखो। सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 40.8 ओम, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। इफ द एमीटर हैज कॉइल रेजिस्टेंस 480 ओम एंड अ शंट ऑफ 20 ओम, देन द रीडिंग इन एमीटर विल बी। तो एमीटर तो आपको पता है क्या रीड करता है, करंट रीड करता है। तो आपको कुल मिला के इसमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अब करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप देखो, बैटरी का जो वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज तो कितना है, 30 है, 30 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस में कनेक्टेड है, वो आपको पता है कितना है, 40.8 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। फिर जो एमीटर आपने लगाया है, एमीटर, तो जो एमीटर होता है आपको पता है इसमें एक गैल्वेमीटर होता है और गैल्वेमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस होता है, इनको मिलाकर हम कहते हैं एमीटर, ये, ठीक है। तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हुआ। इसमें एमीटर कहाँ है, एमीटर आपको दिख रहा है, एमीटर आपको दिखेगा, ये एमीटर है, ये पूरा, इसको एमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये एमीटर है तो इस एमीटर में गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, जिसको कॉइल रेजिस्टेंस कहते हैं, ये तो है 480, ठीक है। और जो शंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगता है, इसका वैल्यू है 20 ओम, ठीक है। 30 वोल्ट की बैटरी है। कुल मिला के हमें निकालना है कि यहाँ पे कितना करंट पास होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आप समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आपको क्या करना है, सिंपल सा, इसलिए क्योंकि आपको ये सिंपल V=IR ओम्स लॉ पर बेस्ड है। अगर आप R इक्विवेलेंट इस सर्किट का निकाल सकते हैं तो R इक्विवेलेंट निकाल लें, तो I की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो आप देखो R इक्विवेलेंट कैसे निकालें, 480 और 20, ये है टोटल एमीटर का रेजिस्टेंस, आर ए लिख देता हूँ मैं, एमीटर का रेजिस्टेंस आर ए। तो ये टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 480 × 20 डिवाइड बाय 480 + 20, मतलब 500 आ गया नीचे, तो ठीक है। तो आर ए की वैल्यू अगर आप देखोगे, सॉल्व करें इसको, तो 480, ये 500 आ गया, 480 × 20 डिवाइड बाय, ऐड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 500, ठीक है। तो एक जीरो ये कैंसिल हो गया, एक जीरो ये कैंसिल हो गया, राइट। तो 48 × 2 आ गया, 48 × 2 मतलब 96, तो 96/5 अप्रॉक्सीमेटली, 100/5 तो क्या होता है, 20 होता है, तो 96/5 मतलब ये 20 से कम होगा, ठीक है। तो 96/5 अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू आती है 19.2। तो जो एमीटर का रेजिस्टेंस है ये है 19.2 ओम, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 19.2 ओम। अब हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, देखो 19.2 है और यहाँ पे 0.8 आ रहा है, तो आर इक्विवेलेंट जो सर्किट का होगा वो क्या होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना था, 40.8, इसमें क्या ऐड करना है, 19.2। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है कितना आ गया, 40 ये हो गया, इसका 0.8 इधर ऐड करते हैं तो 20 + 40 = 60 ओम रेजिस्टेंस टोटल हो गया, ठीक है। अब 60 ओम रेजिस्टेंस है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, 30, तो करंट तो हम इजीली निकाल सकते हैं, I = क्या होगा, V/R। तो V कितना है, V दे दिया आपको 30, R इक्विवेलेंट आपने निकाल दिया 60, तो करंट आ गया 0.5 एम्पियर। तो ये करंट जाएगा एमीटर में, इस पूरे को हम बोलते हैं ये एमीटर है। तो एमीटर कितना करंट रीड करेगा, 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर मतलब 0.5 ओम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, 0.5 ओम, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था नीट 2015 का। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखो, पोटेंशियोमीटर के लिए है। पोटेंशियोमीटर, वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ ईएमएफ ई नॉट एंड रेजिस्टेंस आर वन, ठीक है। एन अनोन ईएमएफ इज बैलेंस्ड एट अ लेंथ एल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो जो अनोन ईएमएफ होता है वो एल लेंथ पर बैलेंस होता है, ठीक है। द ईएमएफ ई विल बी गिवन बाय, तो ईएमएफ ई क्या होगा, ठीक है। ई की वैल्यू निकालनी है, बैलेंसिंग लेंथ दे दी एल। अब बैलेंसिंग लेंथ एल दे दी है, उससे पहले आपको यहाँ पर आगे के जो डेटा गिवन है कि पोटेंशियोमीटर है, उसकी लेंथ एल है, रेजिस्टेंस का आर है और एक बैटरी कनेक्टेड है सीरीज में ई नॉट की, जिसके साथ रेजिस्टेंस क्या है, आर वन है, ठीक है। तो जो पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है, इसको देखो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक बैटरी जो लगाई ई नॉट की, और इसका जो खुद का रेजिस्टेंस है वो है आर वन,
और जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो वायर होता है, आपको पता है एल लेंथ का वायर है, ये एल लेंथ का वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर मैं कहता हूँ ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, ए बी से लिखते हैं हम जनरली पोटेंशियोमीटर वायर को, इसकी टोटल लेंथ एल है राइट, और इसका खुद का रेजिस्टेंस आर है। अब आपको पता लग गया कि सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, करंट तो आप निकाल सकते हैं आई, आई इक्वल्स टू क्या होगा बैटरी का ईएमएफ कितना ई नॉट है, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर प्लस आर वन, ठीक है, ये आ गया आपके पास आई की वैल्यू राइट। तो आई की वैल्यू मिल गई हमें ठीक। अब आई की वैल्यू करंट क्यों निकाला, करंट निकाला हमें निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है अननोन वैल्यू, अननोन ईएमएफ की वैल्यू निकालने के लिए, तो हमें अब चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू। तो क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक्स से डिनोट करते हैं, ये आपको होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पूरे वायर पर पोटेंशियल कितना आया वो मैं निकाल सकता हूँ कैसे, आई तो करंट हो गया, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, तो ये वी इक्वल्स टू आई आर, इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप आया और इसकी लेंथ कितनी एल है ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आई आर अपॉन एल, आई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, आई की वैल्यू इसलिए निकाली थी हमने ई नॉट अपॉन आर प्लस आर वन डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय एल, ये एक्स की वैल्यू आ गई ठीक है। तो जब x की वैल्यू मिल जाती है हमें, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू एक बार मिल गई, तो हम जो अननोन ईएमएफ जो था आपका जो बैलेंस होता है वो बैलेंस हो रहा है, अननोन ईएमएफ e है वो बैलेंस हो रहा है एल लेंथ पर, तो e की वैल्यू क्या होती है xl। अगर आपके पास x की वैल्यू होती है और बैलेंसिंग लेंथ होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप कोई भी अननोन ईएमएफ निकाल सकते हैं ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास है, ये हम पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू पुट करोगे l से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी x की वैल्यू है, x की वैल्यू है e नॉट अपॉन आर प्लस आर वन ठीक है इंटू आर इंटू एल अपॉन एल, ये वैल्यू आ गई ठीक है। तो बताओ ई की वैल्यू कौन सी है इनमें से, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास ऑप्शन नंबर हो गया स्मॉल एल, नीचे नहीं है स्मॉल एल, ऊपर है कैपिटल एल नीचे है, तो ये ऑप्शन है बी, ये आपका स्मॉल एल है ठीक है। तो ये भी नीट 2015 का क्वेश्चन था, पोटेंशियोमीटर पर बेस था, पोटेंशियोमीटर के लिए जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात पोटेंशियल ग्रेडियंट की है ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने इसमें देखा, नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसका, तो इसकी आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम रेस्पेक्टिवली, देन द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस, द न्यू बैलेंस पॉइंट इज 1.6 L1, न्यू बैलेंस पॉइंट इज 1.6 कह सकते हैं 1.6 L1 ठीक है। देन आपको बोला है कि R की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या है इसमें ठीक है। तो R की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है यहाँ पर L1 दिया है, 1.6 L गिवन है 1.6 L1, और यहाँ पर जो वैल्यू है L1 की बात करें अगर, तो L1 की डिटेल्स में दी हुई नहीं है पहले, तो L1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, L1 की वैल्यू होनी चाहिए इसमें इनिशियली जब रेजिस्टेंस, तो डायग्राम इसमें गिवन नहीं, मैं डायग्राम बताता हूँ। देखो आपका एक रेजिस्टेंस तो है 5 ओम, ये 5 ओम है ठीक है, एक रेजिस्टेंस है आपका R, 5 एंड R दिया R ठीक है, तो 5 एंड R आपको दे दिया राइट। उसके बाद आपको पता है कि इसमें गैलोमीटर कनेक्टेड होता है जी, और गैलोमीटर मीटर ब्रिज का जो वायर है, मीटर ब्रिज का वायर को भी हम ए बी से लिख सकते हैं ए बी, ये टोटल 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर होता है, ये बैलेंस हो रहा है L1 पर ठीक है, ये बैलेंस कितने पे होगा L1 पर बैलेंस हो रहा है राइट। फिर उसके बाद जब हम इस रेजिस्टेंस में एक नया रेजिस्टेंस शंट कर देंगे इक्वल का, तब न्यू बैलेंस पॉइंट जो होगा वो होगा 1.6 L1 ठीक है। तो L1 की जानकारी इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखी भी नहीं है, उसके लिए डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम में हमें समझना पड़ेगा L1 ये है राइट। तो मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है, जो फॉर्मूला आपको पता है कि रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है, तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम अपॉन ये रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस के लिए लिखते हैं हम इसकी लेंथ L1,
और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है R, तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 माइनस L1। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब अगली इक्वेशन देखना, अगली इक्वेशन में क्या है कि 5 ओम तो ऐसे कैसे रहेगा, बट ये जो R था आपका इसके साथ एक R और लगा दिया, तो जब मैं दो R पैरेलल में जोड़ देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि दो R अगर पैरेलल में जोड़ दिए तो इक्वलेंट क्या होगा, यहाँ पर इक्वलेंट हो जाएगा R बाई टू। तो ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। ठीक है, अब जो बैलेंसिंग पॉइंट आएगा वो आ रहा है 1.6 L1, पहले था L1 अब कितना आ गया 1.6 L1, ये वैल्यू दी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ क्या बचेगी, यहाँ पे लेंथ बचाएगी 100 माइनस 1.6 L1, यहाँ पे L1 थी तो ये कितनी बचती है 100 माइनस L1 बचती है, तो 5 अपॉन L1 R अपॉन ये लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 अपॉन 1.6 L1 और यहाँ पर होगा R, R पैरेलल में बताओ इक्वलेंट कितना होगा, इक्वलेंट हो जाएगा R बाई टू और यहाँ आ जाएगा 100 माइनस 1.6 L1, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, देखो हमें पूछा है यहाँ पर R की वैल्यू, तो जो R की वैल्यू ये हमें निकालनी है, तो R की वैल्यू कैसे निकालें भाई, हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, इन दो इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं R की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालें R की वैल्यू, देखो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट में सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, देखो 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ 5 है यहाँ L1 है, यहाँ 5 है यहाँ 1.6 L1 है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, देखो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आएगा 1.6 L1 और यहाँ आ जाएगा L1, क्योंकि मैं लिखूंगा 5 अपॉन L1 तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा और ये 1.6 L1 ही आ गया। ठीक है, इसके बाद जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू लिखूंगा, उसमें ये डिवाइड करूंगा, तो मैं यहाँ पे R से R तो कैंसिल हो जाता है, R से R कैंसिल होगा, अब ये 100 माइनस L1 तो यहाँ आएगा, 100 माइनस L1 तो यहाँ मिल गया, और ये वाली वैल्यू जो है 100 माइनस 1.6 L1 ये वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम L1 निकाल सकते हैं। अगर हम L1 निकाल लेते हैं तो R की वैल्यू कहीं भी आप पुट करके निकाल सकते हो इजीली, दोनों इक्वेशन में कहीं भी। तो सबसे पहले क्या करें, हम L1 निकाल लेते हैं। ठीक है, L1 कैसे निकलेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.6 L1 है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 L1 हो जाएगा, फिर ये L1 माइनस का 1.6 L1 स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये 100 L1 हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1.6 L1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो L1 का स्क्वायर देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये L1 स्क्वायर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि 1.6 L स्क्वायर तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 100 L1 ये हो गया, मल्टीप्लाई इधर कर दिया हमने तो ये बच गया आपके पास 100 L1 माइनस 1.6, तो इधर आया आपके पास 160 L1 माइनस 1.6 L1 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। अब 160 L1 इक्वल्स टू 100 L1, 160 L1 इक्वल्स टू 100 L1, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत लग रही है। अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, टू क्या मल्टीप्लाई, या क्या रह गया था हमारे पास, ये था R, ये भी था R, ये था 2 यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से और करना है, 2 के साथ रहेगा, 2 था R बाई 2 लिखा था जो हमने। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर रहेगा, राइट। अब 2 यहाँ पर रहेगा तो आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर तो 1.6 L1 स्क्वायर जो आएगा वो डबल आएगा, 2 के साथ आएगा, तो फिर ये कैंसिल यहाँ पर नहीं करेंगे हम, दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो कैलकुलेशन का ध्यान रखें। अब 2 यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 160 L1 हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस का 1.6 L1 स्क्वायर, फिर ये उधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 200 L1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1.6 L1 है तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 1.6 L1 स्क्वायर। ठीक है, तो फिर डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये तो 1.6 L1 स्क्वायर तो रहेगा, ये तो कैंसिल हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये कैंसिल नहीं हुआ इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप सॉल्व करोगे तो L1 स्क्वायर के साथ थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, L1 स्क्वायर नहीं आना चाहिए था तो क्यों आया, देखो अच्छा यहाँ पर ये 5 अपॉन L1, यहाँ भी 5 अपॉन L1, तो ये 5 अपॉन L1 पूरा ही कैंसिल होगा,
तो ये L1 से L1 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने से पहले ही। L1 क्यों अपन मल्टीप्लाई यहाँ पर पहले से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ये L1 से L1 कैंसिल हो गए, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो 160, L1 तो कैंसिल ही हो गया तो 160 हो गया माइनस 1.6 L1, फिर ये आएगा 200 माइनस का 3.2 L1 से L1 कैंसिल नहीं किया था, इतनी सी गलती की वजह से यहाँ पर स्क्वायर बड़ी इक्वेशन या बड़ी फॉर्मेट आ रहा, बड़ा मतलब इक्वेशन जो है बड़ी हो रही थी। तो ध्यान रखें जितनी वैल्यू सॉल्व करते टाइम जितनी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, कैलकुलेट करते टाइम जो कैंसिल हो रही है उसको कर दें। यहाँ जैसे यहाँ पर L1 कैंसिल नहीं किया तो आपने देखा स्क्वायर फॉर्म में इक्वेशन बन गई थी, ठीक है। तो छोटी सी गलती न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन को बढ़ा देती है। अब देखो ये है 200, ये है 160 माइनस कर देंगे तो उधर बचेगा 40, और ये 3.2 उधर लिया हो प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1.6 L1। तो L1 की वैल्यू क्या आई, L1 की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन 1.6, ठीक है। 1.6 अपॉन मतलब 400 अपॉन 16 आ गए, और 400 अपॉन 16 डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये हो गया 200/8 या 100/4 मतलब 25। तो L1 की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। ये हमें निकालनी जरूर थी L1। अब एक बार हमने L1 निकाल दिया तो L1 निकालने के बाद अब हम क्या करें, L1 निकल गया तो क्या R की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। R की वैल्यू क्या थी यहाँ से इक्वेशन आप देखोगे, ये इक्वेशन जो कंप्लीट थी ये क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था 5 अपॉन L1, और ये R की वैल्यू। तो L1 की वैल्यू अगर 25 है तो यहाँ 25, यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस 25, ठीक है। तो L1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन में, L1 की जो वैल्यू मिली मुझे ये यहाँ से पुट करूँगा फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, 5 अपॉन L1 25 हो गया, इधर आ जाएगा R अपॉन 100 माइनस 25 75 हो गया। तो 25 से 75 थ्री टाइम्स कैंसिल होगा, 35 से मल्टीप्लाई होगा तो R की वैल्यू आ गई 15 ओम, ठीक है। तो ये था इसका आंसर 15 ओम। तो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या होगा, बी, ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है मगर ये R यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए हमें सॉल्व करना है। तो ये था नीट 2014 का क्वेश्चन, चले आगे नेक्स्ट पर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 का एक और क्वेश्चन है इसके बाद, वो है इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासिस थ्रू द गैलोमीटर, इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर इज जी देन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी। अब यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आपसे पूछा है, तो एमीटर में आपको बोला है कि 0.2% मेन करंट का 0.2% गैलोमीटर से पास होता है, मतलब ये आईजी की वैल्यू दे रहा है, मतलब आपको क्लियर है कि आईजी की वैल्यू हमें यहां पे मिल जाएगी, ठीक है। और गैलोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस क्या है, जी है। तो यहां पर पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करें भाई, हम यहाँ पर एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा पूछा है, तो हम क्या करें, सबसे पहले हम निकालें यहाँ पर कि जो कैलकुलेशन होती है जो गैलोमीटर के लिए हमें पता है वो क्या है। गैलोमीटर के लिए देखो ध्यान से, ये गैलोमीटर है और इसका खुद का रेजिस्टेंस क्या लिया हुआ है, इसमें जी लिया हुआ है। ये शंट रेजिस्टेंस है एस, शंट रेजिस्टेंस है जी है। मेन करंट जो आता है वो आता है आई, और गैलोमीटर में करंट जाता है आई जी, और रिमेनिंग करंट चला जाता है शंट में, वो हो जाता है आई माइनस आई जी। तो आई जी की वैल्यू क्या दी है, आई जी दिया है 0.2% ऑफ आई, ठीक है। तो आई जी की वैल्यू अगर 0.2% ऑफ आई है तो इसका मतलब 0.2/100 आई, मतलब ये हो गया आपका 2/1000, मतलब I/500 दे दिया आपको, 0.2% मतलब 1/500 लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट हटाओगे जीरो नीचे आएगा 1000 हो जाएगा, 1000 मतलब ये हो गया 1/500। तो IG की वैल्यू आ गई I/500, ठीक है भाई। तो IG की वैल्यू मिल गई, अब क्या करें, अब जो हमें रिलेशन पता है वो लगाते हैं इसमें। यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा गैलोमीटर में वो तो होगा IG into G, और यहाँ पर जो शंट में जो
पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि शंट में करंट कितना गया, आई माइनस आई जी, तो आई माइनस आई जी इंटू एस हो गया, ठीक है। तो आई जी जी और आई माइनस आई जी यहाँ पर हमने लिख दिया रिलेशन। अब हमारे पास क्या वैल्यू है, आई जी की वैल्यू तो यही सी, जी तो आपको दे रखा था गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो जी की फॉर्म में आंसर दिख रहा है तो जी तो रहेगा, जी को हटाना नहीं है। अब हम सबसे पहले एस निकाल लेते हैं, तो आई जी की वैल्यू क्या है, आई जी की वैल्यू है आई अपॉन 500 जी, आई यहां पर आ गया माइनस आई अपॉन 500 एस, ठीक है। तो 500 एलसीएम लेके क्या करोगे, 500 एलसीएम ले लिया माइनस वन कर दोगे, माइनस वन कर देंगे तो क्या होगा बताओ, 499 हो जाएगा। तो ये हो गया आई जी अपॉन 500 और यहां पर माइनस वन किया तो बचेगा 499 अपॉन 500 एस, ठीक है। तो 500 से 500 कैंसिल कर दें और यहां पर बचेगा 499 आई भी तो है, 499 आई इंटू एस। तो आप क्या करोगे, आई अपॉन 500 कैंसिल कर दो, आई अपॉन 500 कैंसिल कर दिया दोनों साइड, तो बताओ जी की वैल्यू क्या आ गई या एस की वैल्यू क्या आ गई, एस की वैल्यू आ गई जी अपॉन 499। ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो आपने कनेक्ट किया था गैलोमीटर के साथ एमीटर को बनाने के लिए, ठीक है। तो G अपॉन क्या आ गया, 499, क्लियर। अब हमसे क्या पूछा है, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी, तो अगर एमीटर का रेजिस्टेंस निकाले तो एमीटर तो क्या होता है आपको पता है, एमीटर तो टोटल होगा ही, एमीटर तो क्या है टोटल, इसको एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, जी और एस क्या हो गया पैरेलल में, तो जी और एस अगर पैरेलल में है तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखूं एमीटर का, तो ये आएगा जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे क्या आएगा एमीटर का मतलब टोटल रेजिस्टेंस एमीटर का पूछा है, तो ये आएगा आंसर। तो जी एस, तो जी की वैल्यू तो पता है, ठीक है, जी की वैल्यू में आंसर है, एस की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एस की वैल्यू है जी अपॉन 499 और यहाँ पर देखो जी प्लस एस, एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है जी अपॉन 499, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली, अब हम क्या करें इसमें, अब हम क्या कर सकते हैं, 499 एलसीएम ले सकते हैं, 499 एलसीएम ले लेते हैं, तो 499 जी प्लस जी तो ये होगा 500 जी अपॉन 499, ठीक है। ऊपर तो देखो जी इंटू जी लिखा हुआ है, नीचे आपके पास 499 लिखा हुआ है, और ये जो ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया इसको सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा 499 जी प्लस जी, ये हो जाएगा 500 जी अपॉन 499। तो आपको दिख रहा है कैंसिल क्या होगा, अभी 499 से 499 कैंसिल होगा, जी से एक जी कैंसिल कर दो, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आया, जी बाय 500, ठीक है। शंट पूछा होता तो जी अपॉन 499 और आपसे पूछा है एमीटर का रेजिस्टेंस, तो वो आया हमारे पास जी अपॉन क्या है, जी अपॉन क्या बचा 500, जी अपॉन 500 ये वैल्यू है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, शंट का भी ऑप्शन है जी अपॉन 499, बट एमीटर का रेजिस्टेंस होगा जी अपॉन 500, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी थर्ड। ठीक है, चले भाई अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसमें वो है नीट 2013 का, सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी किया था, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर वुड बी। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी वायर को स्ट्रेच करके डबल करते हैं, तो स्ट्रेच करके डबल करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, आर इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन वी। वॉल्यूम का लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेच करने के पर भी वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, स्ट्रेचिंग के केस में आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर का रिलेशन लगाते हैं इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आर वन अपॉन आर टू इक्वल्स टू एल वन स्क्वायर अपॉन एल टू स्क्वायर, तो बताओ नई लेंथ क्या है, नई लेंथ है डबल, स्ट्रेच करके लेंथ डबल कर दी, आर वन की वैल्यू कितनी है, आर वन गिवन था 4 ओम, आर टू हमें निकालना है, एल वन मान लेते हैं एल है तो एल टू हो जाएगा डबल 2L, तो 2L का स्क्वायर क्या करेंगे 4L स्क्वायर, 2L स्क्वायर ना लिख देना 4L स्क्वायर, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, R2 की वैल्यू आ गई 4 इंटू 4 16 ओम, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, डी
ठीक है। रेजिस्टेंस पूछा है, ध्यान रखें तो चेंज हो जाता है 16 ओम। अगर रेजिस्टिविटी की बात करते तो रेजिस्टिविटी स्ट्रेस करने पर नहीं बदलती है, कई बार रेजिस्टिविटी पूछ लेते हैं तो रेजिस्टिविटी का आंसर होगा रिमेन सेम। क्लियर, तो ये था 13 का क्वेश्चन। चले आगे, नेक्स्ट अगला देखो। अगला क्वेश्चन आता था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस 10 ओम, राइट। तो पूछा है इसमें, चाहे हिंदी में लिखा है इंग्लिश में लिखा नहीं है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है आपको, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पूछा है, अच्छा इज, अच्छा यहाँ पूछ लिया द इंटरनल रेजिस्टेंस इज, ठीक है। तो सेल कितना है, 2.1 का है, मैं बना लेता हूँ। देखो, सेल एक रेजिस्टेंस लगा लिया, एक सेल लगा लिया और सेल का खुद का रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, स्मॉल आर जो होता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर और बैटरी का ईएमएफ होता है ई, ठीक है। तो सेल का ईएमएफ दे दिया आपको 2.1, स्मॉल आर पूछा है आपसे और कैपिटल आर की वैल्यू दे दी है 10 ओम, करंट भी गिवन है आपको आई, आई की वैल्यू कितनी गिवन है, आई की वैल्यू है 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पर तो सिंपल सा फॉर्मूला करंट का लगा सकते हैं अपन। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब बैटरी दे रखी हो इक्वल रेजिस्टेंस होगा आर प्लस आर, ठीक है। किसी भी सेल जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में दे रखा हो तो उसके लिए करंट का फॉर्मूला होता है ई अपॉन आर प्लस आर। तो यहाँ पर स्मॉल आर पूछा था, इजीली निकाल सकते हैं, 0.2 गिवन था करंट, ई की वैल्यू है 2.1, आर की वैल्यू है 10 और स्मॉल आर हमें पूछा है निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 0.2R इक्वल्स टू 2.1, तो 0.2R की वैल्यू आ जाएगी 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो तो R की वैल्यू आ गई 1/2, R की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस था ये है 0.5 ओम। क्लियर, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, नीट 2013 में आया था। चले आगे, नेक्स्ट देखो। द रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स पी क्यू आर एस, वी में चार होंगे तो पी क्यू आर एस होंगे, पी क्यू आर एंड एस, आर लिखा नहीं यहाँ पर, पी क्यू आर एस, ठीक है, 10, 30, 30, 90 रेस्पेक्टली, द ई एम एफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 7 वोल्ट एंड 5 ओम रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ द गैलोमीटर रेजिस्टेंस इज 50 ओम द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी, अब यहाँ पर 4 आर्म्स दे रखे हैं, पहले मैं आर्म्स बनाता हूँ, देखो ये आर्म, फर्स्ट आर्म ये दे रखा है, सेकेंड आर्म ये है इस तरह से, ठीक है, फिर थर्ड ये आ गया, चार आर्म बनाने हैं, चार आर्म बना दिए। 4 आर्म्स बनाने के बाद गैलोमीटर लगता है बीच में और इसका खुद का भी रेजिस्टेंस आपको दे रखा है इस तरह से, ठीक है। और एक सेल लगा हुआ है वो भी बना देते हैं, सेल बना है 7 वोल्ट का सेल है और इसका खुद का रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है। तो पी क्यू आर एस, चार रेजिस्टेंस दे दी, पी की वैल्यू कितनी है 10, क्यू की वैल्यू कितनी है 30, क्यू उधर भी लिख सकते थे कोई दिक्कत नहीं, क्यू की वैल्यू कितनी 30, आर की वैल्यू कितनी 30, तो पी क्यू यहां लिख देता तो भी 30 होता, आर यहां लिखता तो भी 30 होता, एस की वैल्यू है 90। पी एंड क्यू आर इंटरचेंजेबल, ये आपको पता है, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आप दिख रही है वैसे भी सेम है यहाँ पर, तो ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो ध्यान से कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी सॉल्व करोगे सबसे पहले तो यही चेक करोगे कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। अगर बैलेंस है तो ये वाली ब्रांच आपको पता है कोई काम की नहीं होती, जीरो करंट आता है, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं है तो ये वाली ब्रांच भी यूज़ होगी और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा था 50 ओम का ये भी यूज़ होगा अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। बैलेंस में क्या होता है, पी अपॉन क्यू, अगर ये इक्वल आ जाए आर अपॉन एस के तो बैलेंस है। तो पी कितना है 10, क्यू कितना है 30, आर कितना है 30, एस कितना है 90, क्या ये बैलेंस है, क्या है बैलेंस है, 1/3 इक्वल्स टू 1/3, बिल्कुल तो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो 1/3 मतलब आप कह सकते हो इट इज बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब ये वाली ब्रांच तो आपकी काम की नहीं है, ये रेजिस्टेंस काम का नहीं है।
अब आप देखो रेजिस्टेंस क्या हुआ टोटल, फिर टोटल ऊपर आएगा 10 और 30, नीचे आएगा 30 और 90, ठीक है। यहाँ फिर ये कर सकते हो 10 और 30, 30 और 90, ये सॉल्व कर सकते हो। तो जैसा भी आप करें, तो चलो ऐसे कर लेते हैं, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, और ये दोनों भी आपस में क्या हैं पैरेलल में, ठीक है। तो अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका सॉल्व करके निकालते हैं रिजल्ट, तो क्या आएगा इन दोनों अगर पैरेलल में है, तो पहला सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30 क्या होगा 40, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल किया तो 30 बाय 4, 30 बाय 4 मतलब 15 बाय 2, 7.5 ओम आ गया इस साइड का पी और क्यू का, ठीक है, आर पी क्यू कह रहा हूँ मैं, तो 7.5 राइट। तो पी क्यू का निकाल दिया, अब हमें चाहिए 30 और 90 का, तो 30 और 90 का निकालें तो 30 इंटू 90, अब हमें चाहिए आर आर एस का, आर एस का कॉम्बिनेशन पैरेलल का, तो क्या होगा 30 इंटू 90 अपॉन 30 प्लस 90 क्या होगा 120, तो 30 से 120 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो 90 बाय 4, ठीक है, मतलब 45 बाय 2, 45 बाय 2 मतलब 22.5 इसका रेजिस्टेंस आ गया। ये R इक्वलेंट किसका होगा, R और S के बीच में। अब यहां पर इक्वलेंट आ गया कितना आया 7.5, यहां कितना आ गया 22.5, तो इसको इस तरह से बनाओगे देखो, ठीक है, और बैटरी लगी हुई थी वो मैंने यहां बना दी, और ये उसका रेजिस्टेंस है। तो आर एस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो आ गई 7.5, और ये वाली वैल्यू दिख रही है आपको 22.5, ठीक है। तो ऊपर तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आया वो तो आ गया 30 ओम, टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया 30 ओम, पूरे वीटी स्टोन ब्रिज का जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम है। तो अब हमसे पूछा क्या है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो करंट तो फिर आप निकाल सकते हो, अगर आपके पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस है तो आप करंट इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर करंट इजीली कैसे निकालेंगे, इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस अभी हमें जो जोड़ना है वो 5 वाट जोड़ना है इसमें, ये तीनों सीरीज में हो जाते हैं। अब तीनों सीरीज में हो गए 7.5, 20.5, सॉरी ये हो गया 30 और 5 35, और बैटरी का वोल्टेज कितना है 7 वोल्ट है। तो करंट आप निकाल सकते हो, बैटरी से ड्रॉ होने वाला करंट I इक्वल्स टू क्या होगा E अपॉन R प्लस, जो भी R प्लस 5 जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो E कितना है 7, ये हो गया था R 30, 30 प्लस 5 क्या होगा 35, ठीक है। तो 7 5 35 मतलब 1 अपॉन 5 मतलब करंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 एम्पियर, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ये वीटी स्टोन ब्रिज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वीटी स्टोन ब्रिज का अपने आप में। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर वीटी स्टोन ब्रिज पर था। चले आगे नेक्स्ट, अगला देखो, अ मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज इज कन्वर्टेड इन टू ए मीटर ऑफ 25 एम्पियर रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मिली वोल्ट मीटर था, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 25 एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी रेंज कितनी है 25, तो वैल्यू इन ओम ऑफ नेसेसरी शंट विल बी, इसमें आपको कितना शंट चाहिए होगा वो आपसे पूछा है, ठीक है, कितना शंट रिक्वायर्ड है वो आपसे पूछा है, वो आपको कैलकुलेट करने को बोला है, राइट। तो आप देखो इसमें मिली वोल्ट मीटर, मतलब आपको पहले से इसमें वोल्ट मीटर दे दिया, हालांकि नॉर्मली हमेशा क्या दिया होता है, गैल्वेनोमीटर दिया होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट पैरेलल में लगा के हम एमीटर बनाते हैं, बट इसमें मिली वोल्ट मीटर दे दिया, इसका मतलब उसकी रेंज मतलब वोल्ट आपको सीधा पहले से दे दिया 25 मिली वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसको वोल्ट मीटर बनाया गया होगा तो उसके साथ रेजिस्टेंस जोड़ा होगा, राइट। ये पूरा आपका वोल्ट मीटर एक तरह से हम कह सकते हैं, ये पूरा एक तरह से वोल्ट मीटर है, ये तो है वोल्ट मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके साथ शंट रेजिस्टेंस जोड़ना है, शंट रेजिस्टेंस जोड़ेंगे ताकि जो करंट आएगा, करंट जो मेन करंट है, जो उसकी रेंज है वो 25 एम्पियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता है इसमें क्या रिलेशन लगाते हैं कि आई जब करंट आएगा 25, तो करंट यहाँ पे डिवाइड होता है, नीचे आता है आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है, और इसका जो वोल्ट मीटर रेंज दे रखी है वो है 25 मिली वोल्ट, और इसमें
आपको दे रखा है, मेन करंट दे दिया 25 मिली वोल्टियां दे दिया और I माइनस आई जी इंटू एस दे दिया, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कि ये आई जी करंट इसमें जाता है, तो आई जी इंटू जो रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर, जो भी रेजिस्टेंस होगा आर इक्वलेंट, इसकी वैल्यू होती है आई माइनस आई जी इंटू एस से निकालते हैं। अब आई जी इंटू आर माइनस आर इक्वलेंट जो भी होगा इसका, जो आई इंटू आर तो वी हो गया ना, वी इक्वल्स टू क्या होगा आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। इस तरह से अगर हम यूज करेंगे तो वी की वैल्यू तो हमें पता है ऑलरेडी, वी की वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू दे देखिए 25 मिली वोल्ट, ठीक है। और करंट आपको निकालना है इसमें, जो करंट बनाना है 25 एम्पीयर का करंट बनाना है, मतलब आई की जो वैल्यू है 25 है। अब वी की वैल्यू दे दी 25 मिली वोल्ट, तो मिली को कन्वर्ट कर ले तो 10^-3 आएगा, आई की वैल्यू 25 है, इसमें से आई जी आपको माइनस करना है और फिर आपको एस निकालना है, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 10^-3 अपॉन 25 माइनस आई जी, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर ये आई जी की वैल्यू तो गिवन नहीं है, अगर आप ध्यान से सोचें तो आई जी की वैल्यू तो मिली एम्पियर में होती है और यहाँ पर आई की वैल्यू 25 एम्पियर है। अब आई जी की वैल्यू अगर 1 मिली एम्पियर भी हुई तो भी 25 एम्पियर के कंपैरिजन में आई जी की वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो आई जी इज नेग्लिजिबल, तो आई जी इक्वलन टू 0 पुट करोगे आप, ठीक है। आई में से आई जी, आई बहुत बड़ा करंट है, आई जी बहुत छोटा करंट है, तो आई जी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसके सामने, आई के सामने। तो आप यहाँ पे क्या करोगे भाई, अब हम निकाल सकते हैं 25 इंटू 10^-3 और डिवाइड ही कर दो 25, ठीक है। तो क्या आंसर आया एस का, एस का आंसर आ गया 10^-3 ओम। अब 10^-3 का मतलब 1/1000 ओम, और 1/1000 ओम का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या ऑप्शन होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट, ठीक है। आई जी की वैल्यू जनरली अगर दी भी होती ना, अगर यहाँ पर गिवन भी होती तो भी अगर आप उसको यूज़ कर भी लेते तो 25 माइनस 0.1 0.2 अगर आप कम कर भी लेते तो भी क्या होता 24.9 लिखते, 24.95 लिखते, सॉल्व कर भी लेते अगर इसको, तो आई जी तो मैंने 25 लिखा, मैं नेग्लेक्ट कर दिया, दिया हुआ नहीं था, दिया भी होता ना तो भी क्या लिखता मैं 25 डिवाइड बाय 24.95, उससे क्या होता, वैल्यू तो वही आनी थी अप्रॉक्सीमेटली, वैल्यू तो क्या होगी तो कैंसिल हो जाएगी ना। तो इसलिए जनरली जब आई बहुत बड़ा करंट होता है आई जी को हमेशा माइनस करते हैं, मगर वो माइनस करने का कोई सेंस नहीं है, जनरली इसको जीरो मान लेते हैं, मोस्टली आप देखोगे इसको जीरो माना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आया, ए फर्स्ट ऑप्शन। चले आगे नेक्स्ट, अगला देखो, अगला, इन द सर्किट शोन द सेल ए एंड बी हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, सर्किट इसमें दिया हुआ नहीं, सर्किट में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सर्किट गिवन है इसमें, तो ए वी ए दे दिया 12, आर वन और आर टू दो वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। द गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ वी बी पूछा है आपसे। तो यहाँ पर जो ये सर्किट है इसका, ये इस तरह से बना हुआ है, देखो सर्किट में यहाँ बना देता हूँ पहले, ये तो है वी ए और ये रेजिस्टेंस है आर वन, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है आर टू, ठीक है, ये वी ए है। उसके बाद यहाँ दे रखा है गैल्वेनोमीटर जो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और यहाँ एक बैटरी दे दी इसकी वैल्यू वी बी है, ये सर्किट है इसका। तो आर वन की वैल्यू कितनी है 500 ओम, आर टू की वैल्यू कितनी है 100 ओम, वी ए दे रखा है 12 वोल्ट, गैल्वेनोमीटर का करंट क्या है 0, आई जी की वैल्यू 0, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो रहा है, आई जी क्या है 0 है, इसका मतलब जो भी करंट आएगा वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद इधर जाएगा, पूरा का पूरा करंट आई करंट आया तो आई करंट इधर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि उधर तो गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन जो है शो कर ही नहीं रहा। अब आपसे क्या पूछा है कि वी बी की वैल्यू कितनी है, अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ तो कोई करंट आ नहीं रहा, तो वी बी कनेक्टेड है इस पॉइंट से, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर इन दो पॉइंट्स में होगा, इन दोनों पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ पी एंड क्यू, जितना पोटेंशियल डिफरेंस या जितना पोटेंशियल पी और क्यू पॉइंट के बीच में होगा उतना ही वी बी की वैल्यू के इक्वल होगा। क्यों, वी बी और पी और क्यू दोनों कैसे हैं पैरेलल में, कोई भी दो पैरेलल कनेक्शन में आपको पता है वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है,
ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ VB की वैल्यू क्या होगी, VB की वैल्यू हो जाएगी VPQ, P और Q के बाद जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही VB की वैल्यू होगी। तो क्या हम VPQ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? VPQ वैल्यू क्या है? I into 100, तो VB की वैल्यू VPQ के बराबर है और PQ की वैल्यू कितनी? I into 100, मतलब कह सकते हैं 100 into I, तो हमारा आंसर क्या होगा? 100 I। अब 100 I में हमें I चाहिए होगा, तो I हम निकाल सकते हैं। I कैसे निकालें? I के लिए आपका सिंपल है, I इक्वल्स टू क्या होगा? बैटरी का EMF जो A दे रखा है और R इक्वलेंट। अब बोलो R इक्वलेंट कितना होगा? बैटरी का वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट है, और R इक्वलेंट देखोगे तो 500 आपको दे रखा है यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस, दूसरा 100 ओम उसके साथ कनेक्टेड है सीरीज में, ये वैल्यू है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? I की वैल्यू आ गई 12/600 एम्पियर। ठीक है, तो I की वैल्यू 12/600 एम्पियर, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, सीधा वहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, वहाँ कैंसिल हो जाएगा। VB की वैल्यू मुझे चाहिए थी, VB की वैल्यू है 100 into I, तो ये 100 है और I की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, कितनी I की वैल्यू? 12/600। ठीक है, जब आपको कहीं वैल्यू यूज़ करनी हो तो आप उसकी कैलकुलेशन या उसको कैंसिल ना करें, जब आप कोई वैल्यू यूज़ कर रहे हो आगे तो यहाँ पर उसको दिमाग में लगाएं कि I की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, छोड़ो सीधा वैल्यू पुट कर दो, जो भी हो सकता है। यहाँ पे कई सारे कैलकुलेशन में बहुत इजी होता है कि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो हो सकता है 600 है तो यहाँ भी 600 होता है, कैंसिल हो जाता, सीधा आंसर आ जाता। तो कई बार एज इट इज सब्स्टिट्यूट करने से कैंसिलेशन अच्छा हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, तो अब बताओ 100 से 100 गया, तो अब क्या बचा? 12/6 मतलब कितना हुआ? 2 वोल्ट, तो VB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 वोल्ट। ठीक है, तो 2 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम्स के लिए, कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इवन करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इस चैप्टर में तो आप ही कर ही रहे हो, इसके अलावा आपको ये कॉन्सेप्ट कई बार यूज़ करना पड़ेगा सेमीकंडक्टर के चैप्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें एक केस आता है, उसमें एक कंडीशन होती है जेनर डायोड वाली, तो जेनर डायोड जब यूज़ होता है एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, तब भी वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कैपेसिटर में भी यूज़ करते हैं, तो कई बार कई जगह इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमेशा पैरेलल कनेक्शन जो होता है उसमें वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलली हमेशा आपको पता है वोल्टेज सेम होता है, पढ़ते तो हैं मगर उसको अप्लाई नहीं करते, तो इसलिए फिजिक्स में कहा जाता है जितने न्यूमेरिकल्स करते जाओगे उसकी अप्लाइड आप करोगे फिजिक्स को, तो उसके फॉर्मूले उसके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, यहाँ तक 2012 तक हमने किया, इसके बाद और भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक एंड शेयर भी करना। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। सो पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, टिल देन गुड बाय।